आज में जैसे कि पहले की ड्राइंग में ये सब ड्राइंग सिखाया, शेडिंग सिखाया, आज मैं इसमें कलर सिखाऊंगी। तो ये हमारी ये लेडी फिंगर, पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम हल्के हल्के से लाइट ग्रीन करेंगे, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम लोग डार्क ग्रीन लेके आउटलाइन करेंगे। जैसे कि हम लोगों को जहाँ जहाँ डार्क दिखाना है वहाँ वहाँ हम लोग थोड़ा थोड़ा डार्क ग्रीन थोड़ा ज़्यादा करेंगे। इसके ऊपर से हम लोग वापस जो डार्क ग्रीन है इसके ऊपर से लाइट ग्रीन, उसके बाद हम लोग लेमन येलो से इसको मिक्स करेंगे। तो हो गया हमारे लेडी फिंगर का कलर। फिर नेक्स्ट इस ये करेला यानी बिटर गर्ड जो पहले हम लोगों ने शेडिंग दिखाया था, तो वही सेम लाइट ग्रीन हम लोग पहले रफली इस तरह से करेंगे, उसके बाद हम लोग डार्क ग्रीन लेंगे। इस तरह से आउटलाइन करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग ने शेडिंग दिखाया था मैंने, ठीक वैसे ही जहाँ जहाँ डार्क किया वहाँ वहाँ डार्क ग्रीन से शेडिंग इस तरह से कलर करेंगे। उसके बाद हम लोग वही जो लेमन येलो है उससे हम कलर मिक्स कर देंगे। मिक्स इसलिए करते हैं ताकि वो सुंदर दिखे, थोड़ा सा वो कलर उधरा उधरा सा दिखे ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि वो सॉफ्टनेस उसका दिख जाए। हर कोई जैसे ये नेचुरल चीज़ है तो उसमें बहुत सॉफ्टनेस होता है, तो वो सॉफ्टनेस दिखाने के लिए हम लोगों को हल्के हल्के से, और याद रहे पेंसिल कलर पेंसिल हमेशा एकदम से हल्के हाथ से ही चलाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अभी देखिए एकदम से मैश हो गया पूरा कलर, मतलब कि मिक्स हो गया। अभी हम लोग जहाँ ये जो कर्व लाइन है इसके अंदर वो दिखाने के लिए हल्के हल्के से वापस कलर करेंगे डार्क ग्रीन जहाँ जहाँ किया था मैंने उसके ऊपर।
उसके बाद हम लोग ये डार्क ग्रीन को मिक्स अप करेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्के से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारा करेला बन गया। अभी नेक्स्ट आया कैरेट। कैरेट में हम लोग पहले ये जो मीडियम येलो है कलर, उसको हल्के से रफली लगाएंगे। फिर ऑरेंज कलर, फिर देखिए थोड़ा सा लाइट ऑरेंज हम लोग लेंगे। लाइट ऑरेंज से हम लोग इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। उसके बाद वापस हम लोग ऑरेंज कलर लेंगे। थोड़ा सा डार्क कलर, रेडिश टाइप का। थोड़ा सा और डार्क करने के लिए इधर और डार्क कलर हल्के से एकदम से साइड में। फिर हम लोग ये लाइट ऑरेंज कलर जो है इससे और एक बार मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर लाइट ग्रीन करेंगे, उसके बाद डार्क ग्रीन, फिर हल्का सा लेमन येलो। अब देखिए ये अंदर वाला जो ये है थोड़ा सा हल्का डार्क दिखेगा, तो ये हो गया मेरा कैरेट। आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।